है एवरी वन वेलकम टू फोरेंसिक स्टेशन आज हम बात करेंगे अबाउट द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप सो व पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप इज़ पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं पोलराइज लाइट का जिसके नाम से पता चल रहा है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप मतलब यहाँ पर पोलराइज का यूज़ हो रहा है पोलराइज लाइट का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर जो हमारी मेन लाइट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए पोलराइज्ड लाइट और पोलराइज लाइट यूज़ हो रहा है तो मतलब जो हमारा माइक्रोस्कोप है इट शुड बी इक्विप्ड विथ पोलराइजर एंड एनालाइजर राइट एंड पोलराइजर एनालाइजर इक्विप्ड हैं एंड पोलराइजिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है तो व्हाट द प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल जो है जिस पर ये बेस्ड है इट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उस पर जो है इसका मेन प्रिंसिपल बेस्ड है एंड जो स्पेसीमैन हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते इस माइक्रोस्कोप के अंडर दे आर ऑप्टिकली अनाइसोट्रोपिक स्पेसीमैन जो ऑप्टिकली अनाइसोट्रॉपिक स्पेसीमैन होते हैं उन्हें ही यहाँ पे ऑब्जर्व करा जाता है एंड जो हमें इमेज प्रोड्यूस होता है हमें जो ये पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म करता है इट कैसा होता है वो इमेज वो इमेज होता है हमारा थ्री डी इमेज थ्री डी इमेज होता है एंड डेट टू इन अ कलर्ड इमेज हमारा जो इमेज है वो कैसा आएगा हमें कलर्ड इमेज प्रोवाइड होता है यहाँ पे ओके okay. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मल लाइट जो है हमारी नॉर्मल लाइट हमारी वाइब्रेट कर रही है इन मैनी डायरेक्शंस नॉर्मल लाइट हमारी जो है वो बहुत सारी डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही है जैसे अगर हम देखें ये देखिए ये एक डायरेक्शन हो गया और इसी को अगर हम दूसरे कलर से देखें तो इट्स डिफरेंट डायरेक्शन तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस में जो हैं हमारे नॉर्मल लाइट ऐसे वाइब्रेट करती है अलग अलग डायरेक्शंस में ठीक है और इसी को अगर हम देखें कि हाँ अगर हमें अपने पोलराइज लाइट चाहिए तो पोलराइज लाइट कैसी है पोलराइज लाइट हमारी सिंगल एक उसमें हमारी सिंगल डायरेक्शन में या सिंगल वाइब्रेशन में वो आके मतलब मूव मूव कर रही है वो तो हमारी जो पोलराइज लाइट है ना जैसे कन्वर्जन कैसे हुआ मतलब लाइट का पहले तो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही थी अब वो हर डायरेक्शन में से जिससे मतलब माई लाइट है वो ऐसे हर डायरेक्शन में जा रही है अब वो हर डायरेक्शन में से अब वो सिंगल डायरेक्शन में ही कैसे जा रही है विद द हेल्प ऑफ अ पोलराइज़र हमारे पास यहाँ पे एक पोलराइज़र यूज़ है जिसको हम क्या कहते हैं पोलराइजिंग फिल्टर्स हम इसको कहते हैं ठीक है थीके? ये जो होते हैं इनका मेन काम होता है जो हमें अनपोलराइज लाइट को या नॉर्मल लाइट को हमें पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है नेक्स्ट वी हैव इट्स डेवलपमेंट अगर हमारे पास जो पोलराइजिंग uh, माइक्रोस्कोप है ये मतलब कहाँ किसने बनाया कैसे आया ये कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन का और पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब हमारी जो लाइट जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन का जो ये कॉन्सेप्ट था हमें ये हमें 1880 में फ्रेंच के जो फिजिस्ट थे ना एंटीनी लुइस मैलिस इन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने डिस्कवर किया था रिफ्रैक्शन को और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को उनके बाद फिर 1829 में 1829 में हमारे पास आए विलियम निकोल विलियम निकोल ने इन्वेंट किया एक प्रिज्म अब प्रिज्म क्या करता है प्रिज्म जो होता है ना वो हमारी नॉर्मल लाइट को पोलराइज uh, लाइट में कन्वर्ट करता है जैसे हमने बहुतों ने हमने परफॉर्म किया होगा अपने स्कूल uh, में एलिवेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड्स में हमारे प्रैक्टिकल होता था जैसे प्रिज्म से हम लाइट को उसे पास ऑन करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल डायरेक्शन uh, की या सिंगल वाइब्रेशन की लाइट होती थी पोलराइज लाइट है ना तो वो काम जो था वो वहाँ पर प्रिजम करता था बट अब वो रिप्लेस हो गया है विद द पोलराइजिंग फिल्टर्स अब जो माइक्रोस्कोप में यूज़ होते हैं ना वो होते हैं पोलराइजिंग फिल्टर्स वो लाइट को कन्वर्ट करते हैं पोलराइज लाइट में अब एटीन थर्टी नाइन में हम आए थे टैल बोर्ड जो थे एटीन थर्टी नाइन में आए और उन्होंने इन्वेंट किया पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप जो पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप था ओवरऑल वो इन्वेंट किया गया था 1839 में टैल के द्वारा ओके okay. हिस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन ना इनसे पूछे जाते रहते हैं हमारे टेस्ट में फिर हमारे पास इसका प्रिंसिपल अब प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप है ना वो मेनली बेस्ड है ऑन द बिहेवियर ऑफ सम सेल कंपोनेंट्स जब वैन ऑब्जॉर्ब अंडर पोलराइज लाइट अब जब पोलराइज लाइट में आप उन्हें ऑब्जॉर्व करते हो ना तब उनका जो बिहेवियर होता है ना कंपोनेंट्स का उस पर डिपेंड करता है हमारा पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप अब नॉर्मल लाइट के अंदर देखो तो उनका बिहेवियर सबका सेम आएगा पर अगर पोलराइज लाइट के अंदर देखोगे ना तो कुछ कुछ सेल्स का बिहेवियर जो डिफरेंट होता है तो वो सेल कंपोनेंट्स क्या होते हैं या तो वो आइसोट्रॉपिक हो सकते हैं या अनाइसोट्रॉपिक हो सकते हैं और हमें यहाँ पे कौन सा स्पेसिमेन देखना होता है पोलराइजेशन के अंदर एनाइसोट्रॉपिक स्पेसिमेन तो अब आइसोट्रॉपिक स्पेसिमेन क्या कहता है पहले वो समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है तो हमारे पास जो आइसोट्रॉपिक स्पेसिमेन है ना वो कहता है कि दोस्त थ्रू विच पोलराइज लाइट इज प्रोपोगेटेड विद सेम वेलोसिटी मतलब आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस वो हैं जिसमें से जो हमारी पोलराइज लाइट है ना वो प्रोपोगेट होगी विद द सेम वेलोसिटी मतलब जो लाइट है यहाँ पे वो सेम वेलोसिटी से प्रोपोगेट हो रही है अब ये प्रॉपर्टी इनकी किस वजह से है दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट्स सिमिलर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब उनका जो रिफ्रैक्शन का जो इंडेक्स है ना वो एक ही है इन ऑल डायरेक्शन हर डायरेक्शन में उनका एक ही आ रहा है रिफ्रैक्शन ठीक है मतलब एक ही उनका प्रॉपर्टी आ रहा है हर डायरेक्शन में और तो उनकी सेम वेलोसिटी है और वहीं अगर हम बात करें एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की तो एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में पोलराइज लाइट अगर प्रोपोगेट हो रही है ना तो वो हो रही है विद वेरीड वेलोसिटीज़ उनकी वेलोसिटीज़ अलग अलग है एंड ये प्रॉपर्टी क्यों आई इनके अलग अलग क्यों आई वेलोसिटीज़ क्योंकि इनके पास डिफरेंट इंडिसज़ हैं ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब उनके पास रिफ्रैक्शन का हर डायरेक्शन में क्या था सेम आने वाला था वैल्यू इनका जो है रिफ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रहा है टू डिफरेंट इंडिसज दो इनके पास अलग अलग रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है तो इसकी वजह से इनकी जो वेलोसिटी है वो वेरिड वेलोसिटीज़ अलग अलग हो रही है अब जो दो इंडेसीज हैं ना रिफ़्रैक्शन के वो करस्पॉन्ड करते हैं दो डिफरेंट वेलोसिटीज़ को ऑफ ट्रांसमिशन और इस चीज़ को हम कहते हैं बाय रेफ्रिजेंस हमारा जो मेन इसका वो है प्रिंसिपल बाय रेफ्रिजेंस वो इसलिए है ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कह रहे हैं बायरेफ्रीजेंस ठीक है अब हम इसको अगर हम एक डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या है पहले हमारे पास एक हमारे पास हमारी वाइट लाइट है ठीक है अब वाइट लाइट हमारे एक पोलराइज़र है पोलराइज़र से वाइट लाइट पास ऑन हुई तो वाइट लाइट क्या है हर डायरेक्शन में मूव कर रही है पोलराइज़र से पास ऑन होकर वो फिर सिंगल डायरेक्शन में मूव ऑन हो रही है ठीक है ये सिंगल डायरेक्शन में मूव ऑन हुई अब हमारे पास यहाँ पे हमारा आ गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा अनाइसोट्रॉपिक अनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल हमारा जो है ऑब्जेक्ट है अब अनाइसोट्रॉपिक से पास पासऑन होगी अगर वो तो हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज़ आ रहे हैं दो डिफरेंट इंड इंड आ रहे रिफ्लेक्शन के तो अब दो डिफरेंट आने की वजह से हमारे पास दो अलग अलग वो आ रहे हैं एक तो ये वाला और एक ये वाला डिफरेंट डिफरेंट ठीक है दो अलग अलग आए तो इसकी वजह से दो कंपोनेंट आ रहे हैं तो इसको हम कह राय बाय रेफ्री की वजह से हो रहा है और ये काम तो इसके बाद फिर हमारे पास है एनालाइज़र अब एनालाइजर से पोलराइजर के तो उससे पास ऑन हुआ ऑब्जेक्ट से पास ऑन हुआ तो हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ आ गए बाय रेफ्री की वजह से अब एनालाइज़र क्या करेगा एनालाइज़र उस चीज़ को एनालाइज कर रहा है एनालाइज़ करके उन्हें एक सीक्वेंस में सेटअप कर रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक रिटार्डेशन आ जाता है हमारे पास दो अलग अलग जो वेलोजिटीज़ आ रही थी उसको उन्होंने यहाँ पे एक साथ जो है वो अरेंज कर दिया देख लुक इट्स डिफरेंट डिफरेंट ये हमारे पास एक अलग है और ये अलग अलग दोनों के अलग अलग को उन्होंने अरेंज कर दिया गया है तो ये जो है इसका मेन प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है अब अगर हम कॉम्पोनेंस देखें हमारे पास कॉम्पोनेंस क्या क्या हैं इसमें हमारे पास यहाँ पर है आई पीस ऑब्जर्वेशन ट्यूब बैट ट्रेंड लेंस एनालाइजर रिटार्डेशन प्लेट ग्रेजुएटेड सर्कुलर रोटेटिंग स्टेज लाइट सोर्स और पोलराइज़र ये जो हैं ये इनके मेन कॉन्सेप्ट हैं अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक डायग्राम है अपने पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का तो ये हमारा आई पीस हो गया आई पीस के बाद फिर हमारे पास क्या आ रहा है बैट्रेंड लेंस लेंस आया लेंस के बाद हमारे पास आ रहा है एनालाइजर एनालाइज़र के बाद फिर हमारे पास आ रही है हमारी रिटार्डेशन प्लेट जिसको हम कंपनसेटर भी कहते हैं उसके बाद हमारे पास आ रहा है फिर ग्रेजुएटेड रोटेटिंग सर्कुलर स्टेज देन पोलराइज़र देन लाइट सोर्स मतलब ये हमारे पास एक फ्लो है ठीक है पहले हमारे पास आई पीस आई पीस के बाद में फिर हमारे पास लेंस लेंस के बाद फिर हमारे पास एनालाइज़र एनालाइज़र के बाद क्या आ रहा है रिटार्डेशन प्लेट या फिर कंपेंसेटर ग्रेजुएटेड सर्कुलर रोटेटिंग स्टेज पोलराइजर और लाइट सोर्स ठीक है ये सीक्वेंस हमें याद रखनी होती है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं ना कि सीक्वेंस जैसे पोलराइजर है तो पोलराइजर लाइट सोर्स के अबव है या बिलो है एनालाइज़र है तो एनालाइजर के अबव क्या है एनालाइजर के बिलो क्या है तो क्वेश्चन आते रहते हैं ओके okay? अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो रिटार्डेशन प्लेट को हम कंपेंसेटर भी कहते हैं और ये जो होती है ये इंसर्ट किया जाता है बिटवीन क्रॉस पोलराइज़र मतलब दोनों पोलराइजर जो हैं उनके बीच में ये रहेगा और ये एनहांस करता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इन द स्पेसिमेन स्पेसिमेन का जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है ना उसको ये एनहांस करता है फिर हमारे पास ग्रेजुएटेड सर्कुलर रोटेटिंग स्टेज ग्रेजुएट सर्कुलर रोटेटिंग स्टेज क्या है ये थ्री सिक्सटी डिग्री जो है रोटेटिंग होता है रोटेटिंग स्पेसिमेन है मतलब ये थ्री सिक्सटी डिग्री जो है पूरा रोटेट कर जाता है और ये फेसिलेट करता है ओरिएंटेशन की स्टडीज़ को विद सेंट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्टेज विद माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल एक्सिस मतलब इनकी जो एक्सिस है वो सेट रहती है बट ये स्टेज जो है पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री जो है रोटेट कर सकता है <coughs> फिर हमारे पास ब ट्रैंड लेंस ये जो है स्पेशलाइज लेंस होते हैं जो कि माउंटेड रहते हैं विद इन द ऑब्जर्वेशन ट्यूब ऑब्जर्वेशन ट्यूब जो है उसके अंदर ही माउंट रहते हैं और इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये अलाउ करे एक्यूरेट एडजस्टमेंट ऑफ द इल्यूमिनेटिंग अपर्चर मतलब जो हमारे पास जितना हमें अपर्चर चाहिए वहाँ पे अपनी लाइट बीम को फ़्लो करने के लिए या उसमें आ, देखने के लिए तो हमें उतना ही वहाँ पर एक्यूरेट एडजस्टमेंट मिल सके ठीक है ना ताकि हम इंटरफेरेंस फिगर्स को देख देख सकें फिर है हमारे पास आई पीस आई पीस हमारा फिटेड रहता है विद क्रॉस वायर रेटिकल्स टू मार्क द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू ताकि हमारे जो फील्ड uh, है ना uh, जो फील्ड ऑफ व्यू है उसका हम सेंटर जो है एग्जैक्टली exactly मार्क कर सकें कि हमें सेंटर कहाँ पे देखना है फिर पोलराइजर जो है ये डिवाइस जो है ये लिमिट करता है वाइब्रेशन ऑफ लाइट को ओनली वन डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसको मूव करने के लिए अलाउ करता है एनालाइज़र जो होता है डिटेक्ट करता है कि कोई भी जो लाइट है जो गिवन लाइट है आपकी वो पोलराइज है या फिर अनपोलराइज्ड है वो उसे डिटेक्ट करेगा एनालाइज़र और लाइट सोर्स जो है हमारी वो क्या है प्लेन पोलराइज लाइट है हमारे पास नीचे तो डायग्राम है पोलराइज़र और एनालाइज़र के लाइक रियलिटी में पोलराइजर एनालाइजर जो माइक्रोस्कोप में यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं ओके फिर अगर हम डिटेल्ड देखें पोलराइजर और एनालाइजर को तो यहाँ पे पोलराइज़र जो होता है वो कन्फाइन करता है वाइट लाइट को कि वो वाइब्रेट करे सिर्फ एक ही प्लेन में जब वो उसमें से पास थ्रू हो जाए और जो बाय रेफ्रिजेंट स्पेसीमैन है ना वो ब्रेक कर देते हैं पोलराइज़र लाइट को इनटू टू कंपोनेंट्स अब हमारा यहाँ से पोलराइज़र से लाइट पास ऑन हो गई तो वो पोलराइज लाइट हो गया वो सिंगल वन प्लेन की है ठीक है वन वाइब्रेशन की है वो लाइट हमारे पास अब वहाँ जा कर के वो बाय रेफ्रिजरेंट स्पेसीमैन पर पहुंची अब स्पेसीमैन पर जाकर के वो लाइट ब्रेक हो जाती है अब स्पेसिमैन पे जाकर के वो लाइट जो है ब्रेक हो जाती है इन द टू कंपोनेंट्स ऑर्डिनरी एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट ठीक है अभी जो दो कंपोनेंट है ना लाइट की जब वो पास होते हैं एनालाइजर से तब इंटरफेरेंस अकर होता है अब इसे दो में डिवाइड हुआ था ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अब इनमें से ना जो ऑर्डिनरी वाली जो रे हैं वो तो हमारे जो भी प्रिज्म हैं या फिर जो हमारा पोलराइजिंग फिल्टर्स हैं उनके साइड से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली जो रे होती है वो प्रिज्म से पास थ्रू होती है विथ लिटिल डेविएशन मतलब सिर्फ थोड़ा सा ही डेविएशन होकर के वो पास ऑन हो जाती है तो ऐसे ही ये सेपरेट आउट होते होते लाइक जितना अब ये पास ऑन होंगी ना आगे तो ऐसे सेपरेट होते होते जाते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रेज में फिर जो ये रेज होती है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली जो रे होती है ये ट्रैवल uh, करती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस को तो ऐसे ही जब डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस को पा वो पासन होती हैं ना ट्रैवल करते हुए तब ये इंटरफेरेंस कोस करती हैं ओके okay. अब जो ये इंटरफेरेंस जो होता है ये इंटरफेरेंस अकर होता है तो इसकी वजह से इमेज जो हैं हमारी वो कलरफुल होती हैं ओके इमेज कलरफुल हो जाता है और इंटेंसिटी का जो कॉन्ट्रास्ट है हमें वो भी हमें इस इंटरफेरेंस की वजह से ही शो अप होता है और ये जो बोथ पोलराइज़र और एनालाइज़र जो होते हैं दोनों ही पोलराइजर जो उनको कॉमन कॉमेंट पोलराइज़र ही कहते हैं दोनों को ये दोनों बने होते हैं विद द पेरालॉइड फिल्म और निकोल फिल्म ऑफ कैलकाइड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है इस पर ध्यान देना है कि पेरालॉड फिल्म और निकोल फिल्म ऑफ कैलकाइट से बना होता है और रोटेट हो सकते हैं इन ये थ्री सिक्सटी डिग्री पे ओके okay, देखो यहाँ पर से डायग्राम है हमारे पास ये हमारे पास ये ऑर्डन अनपोलराइज वाइट लाइट था जब हमारे पास ये निकोल पोलराइजिंग प्रिज्म है हमारे पास ये ठीक है इस प्रिज्म से हमारी अगर लाइट पास ऑन हो रही है तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट है विथ लिटिल डेविएशन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है और ऑर्डिनरी रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं ओके okay? तो वो साइड से रिफ्लेक्ट आउट हो जा रही हैं ओके फिर हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें मेनली जो उसकी माइक्रोस्कोप का तो वो कैसा है कि जो पोलराइज़र है वो तो फिटेड है बिलो द कंडेंसर कंडेंसर के नीचे हमारे पास पोलराइजर फिट है और एनालाइजर जो है इस प्लेस्ड अबव द ऑब्जेक्टिव ओके अगर मैं एक मिनट डायग्राम से दिखाना चाहूँगा आपको देखो हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा था पहले भी हमारा ये एनालाइज़र है ये हमारा कंपनसेटर ओके okay. हमारा पोलराइज़र और ये हमारा यहाँ पे आएगा हमारा सैंपल जहाँ पे हमारी स्टेज है ओके okay. तो इन्होंने यही कहा है ना कि हमारा जो पोलराइज़र है वो तो फिट है बिलो द कंडेंसर कंडेंसर के नीचे हमारे पास पोलराइजर है और एनालाइज़र जो है वो अबव है हमारे ऑब्जेक्टिव के ओके okay. और जो बिटवीन है इन बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर कंपेंसेटर और जिप्सम प्लेट इज़ इंसर्टेड इन स्लोट इसको हम कंपेंसेटर या फिर जिप्सम प्लेट भी कहते हैं वो इंसर्टेड किया जाता है पोलराइजर एनालाइजर के बीच में अब जब व्हेन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर जब हमारा जो अगर हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन देखें अपना पोलराइजर का और एनालाइजर का तो अगर वो परपेंडिकुलर है मतलब वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर में हैं तो कोई भी लाइट पास थ्रू नहीं होगी ऑक्युलर लेंस नो लाइट पास थ्रू ऑक्युलर लेंस मतलब हमें वो पूरा फील्ड क्या है डार्क ब्लैक दिखने वाला है और जब फोर्टी फाइव डिग्री ओरिएंटेशन होगा मतलब फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पे अगर वो सेट होंगे तो वो हो जाता है मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब वहाँ पे आपको मैक्सिमम इंटेंस जो आपकी इमेज है एकदम क्लियर और ब्राइट इमेज दिखने वाली है और परपेंडिकुलर पे आकर के नाइन्टी डिग्री पे आकर के पूरा ब्लैक हो जाने वाला है ठीक है सो डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेसीमैन अब आप जो स्पेसीमैन की जो ओरिएंटेशन है ना उस पर डिपेंड करेगा आपका जो इमेज का जो कलर है वो कैसे आने वाला है ओके एंड हेयर वी हैव सम फैक्टर्स अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि वो इमेज को कलर जो इमेज है हमारी उस कलर को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं पहला क्या है ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेसिमेन हमने भी हमने भी पढ़ा ना कि अगर और हमारे जो स्पेसिमेन है परपेंडिकुलर होगा तो पूरा ब्लैक होने वाला है कोई लाइट पास थ्रू नहीं होगी और अगर वो फोर्टी फाइव डिग्री होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा एंड थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन स्पेसिमेन की थिकनेस पर डिपेंड करेगा कि उसमें से कितना लाइट जो है वो पास ऑन हो रहा है एंड उस पर डिपेंड करेगा आपकी जो इमेज है वो कितना इंटेंस या कितना कलर्ड जो है वो शो होने वाला है आपको पाथ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड द एक्सट्रा ऑर्डिनरी लाइट रेज ऑर्डिनरी एक्स्ट्राडिनरी लाइट रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस फॉर्म होता है वो पाथ डिफरेंस भी आपका डिटरमाइन करता है आपकी इमेज के कलर को देन वी हैव ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइजर एंड द एनालाइजर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अब दोनों का आपस में जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो उनका एंगल सेट होने वाला है जो ओरिएंटेशन होने वाला है वो भी आपका डिपेंड करेगा कि आपकी जो इमेज है वो किस कलर की है कैसे कलर कितना इंटेंस जो है वो आपको कलर शो होने वाले हैं इसे हम यहाँ पे एक डायग्राम देखें तो ये हमारी नॉर्मल डायग्राम है अगर हम प्लेन लाइट से देखें तो हमारी प्लेन लाइट से ये डायग्राम हमें दिखने वाली है ठीक है ये डायग्राम हमारी वे है विद द प्लेन लाइट और अगर हम इसी को अगर हम देखें पोलराइज लाइट में तो पोलराइज लाइट में हमारे डायग्राम कैसे कलरफुल हमें दिखने वाली है ओके okay? एंड अगर हम कॉमनली इवैल्यूएटेड मटेरियल्स देखें कि कॉमनली कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं जिसे हम देख सकते हैं पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू दिस इज वुड बोन टेत मसल्स यूरिन क्रिस्टल्स मिनरल्स मिनरल फाइबर्स सिरामिक्स एंड पॉलीमर्स ये जो मटेरियल्स हैं ये कॉमनली मटेरियल्स हैं जिन्हें हम अपने पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं और ये मटेरियल्स कैसे होते हैं सब दीज आर ऑप्टिकली ओके पे मटेरियल्स तो हमने देख लिया कि हाँ ठीक है हम मटेरियल्स को देख सकते हैं तो मेन हमें देखना क्या है मटेरियल्स के अंदर हम क्या क्या चेक कर सकते हैं पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू वट आर दिस एप्लीकेशंस तो क्या क्या है वो हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रेफ्रेंशियली ओरिएियेंटेड कंस्टिट्यूंस मतलब उसकी जो ओरिएटेशंस हैं डायरेक्शन ऑफ देयर ओरिएंटेशन दे आर शेप रेगुलैरिटी ऑफ इंटरनल कंस्ट्रक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सैलेंट टिश्यूज ओके उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका इंटरनल कंस्ट्रक्शन उनकी डायरेक्शन जो है ओरिएटेशन की शेप और उनका ऑरिएटेड कंस्टिट्यूंस मतलब ये सब चीज़ जो है उनकी जो स्टडी कर सकते हैं अपने पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू एंड इट्स यूज फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव स्टडीज़ यहाँ पर दोनों ही क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव स्टडीज़ हम कर सकते हैं मेजर करता है ये द रिटार्डेशन ऑफ लाइट पोलराइज इन वन प्लेन रिलेटिव टू डेट इन अनादर परपेंडिकुलर प्लेन अब जो रिटार्डेशन होगा ना लाइट का वन प्लेन के कम्पेटिव में अनादर परपेंडिकुलर प्लेन में क्या डिफरेंस आ रहा है या कितना उनके आपस में जो कंपैरिजन है रिलेटिव वैल्यू वो भी आपको यहाँ पे शो होने वाली है वो भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू नेक्स्ट वी हैव स्टडी क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो क्वालिटेटिव नेचर है ना उनके मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन का वो एंड डिफ्रेंशिएशन एंड हिस्टोजेनिस डिफ्रेंशन एंड हिस्टोजेनिस तो ये सब क्या हैं ये सब हैं इसकी एप्लीकेशन्स ऑफ द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप ओके सो दिस इज़ ऑल मतलब आपको यहाँ पर जो हमारा पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप है वो यहाँ पर पूरा कम्प्लीट हो गया ओके एंड पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के जितने भी रिलेटेड इसके एम्सिक्यूज हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी ओके सो थैंक यू एवरी वन